वेलकम टू माय फर्स्ट वीक व्लॉग। कपड़े से यूज रही है भैया, खड़े 3 बजे लाइट आई है, अब इससे ही होगा कपड़ा। तो भाई वेलकम बैक आफ्टर नमाज़, क्योंकि हमने सुबह 6:15 बजे नमाज़ पढ़ ली सबसे पहले गली में, तो गली के सारे जानवर ही खड़े हैं। देखो सारे के सारे आपको दिख रहे हैं, लोग घुमाते हुए जानवर लेके आते जाते हैं। कुर्बानियाँ अभी तक शुरू हुई नहीं है, और हमारी कुर्बानी क्योंकि दूसरे दिन की थी, दूसरे दिन हिस्सा जो हमारा आना था जो हमने लिया था मदरसे में, इसलिए अब हम जा रहे हैं आराम करने। इंशाल्लाह उठेंगे तो फिर बाकी कोई एक्टिविटी हुई तो उसको डालेंगे, वरना फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। पहले दिन को खास एक्टिविटी थी नहीं, इसलिए अब चलते हैं दूसरे दिन पे। और ये दूसरे दिन सुबह के 11:30 और हिस्सा आया नहीं हमारा, जो कि 9 बजे का टाइम था, तो वेट कर रहे हैं और दिल में दुआएं दे रहे हैं मौलवी साहब को, मदरसे वालों को, अच्छे अच्छे लोगों को। और भाई बिलाकर हमारा हिस्सा आ चुका है, तो गोश्त फैला लिया है, सफाई कर रहे हैं, उसके बाद हिस्से बनाएंगे और फिर देख के आएंगे। और एक मिनट रुको, ये हिस्से तो पहले से हमारे भाई साहब बना रहे हैं, चलो इनको बनाने दो, फिर हम हिस्से तकसीम करके आ जाएंगे। कुर्बानी हो रही है, ये बाकी है और हम चले गोश्त देने। और रास्ते में ये पीटीआई वाले नज़र आ गए भाई, नारे लगाते हुए, माशाल्लाह से एक्टिविटी चल रही है पीटीआई वालों की, अल्लाह कामयाब करे हमारी पार्टी। और अब हम निकल पड़े मंजिल की जानिब वापस। और देखो देखो मौसम, देखो कितना सुहाना हो रहा है, सुहाना मौसम, मज़ेदार हवाएं, और एक सिंगल लड़का। कैसा जुल्म है यार, जुल्म है ना, है नहीं है, देख लो खुद ही देख लो, जुल्म है यार। इतने सुहाने मौसम में, इतने प्यारे बादलों में। मैं गिद्दू चौक पे खड़ा हुआ वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त हैदर का, क्योंकि उसने बोला वो यहाँ आ रहा है, तो चलो उसको आने दो। और ये हैदर भाई आ गए, लो बोलो ईद मुबारक। हेलो, खैर मुबारक, आ रहे हो तुम अभी ईद पे? चलो भाई हैदर तो यहीं मिल गया, अब चलते हैं आगे शहबाज की तरफ। पागल हुए लेकिन आज सकून है, आजीज है।
शबाज मिला नहीं है घर पे, हिस्सा दे दिया उसका, उससे बात करेंगे होटल पे। चलो आओ होटल चलो। वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो भाई शहबाज जैसे कि घर पे नहीं मिला था, इसलिए मैंने बोला था मैं उसको होटल पे पकड़ूंगा, तो होटल पे हम मिल लिए थे। लेकिन सीन ये हुआ कि होटल पे शोर बहुत ज़्यादा था, तो हम वहाँ बात कर नहीं सके, इसलिए हम यहाँ आ गए इसके घर के बाहर बैठे हुए। या हम अपना पोर्शन कंप्लीट करेंगे ब्लॉग का। तो अब ये आपको दूसरा बन जाएगा दिखने वाला, वो है शहबाज 1 2 3। ये देखो, हेलो शहबाज, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, आप बताओ। अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक भाई, कैसी गुजर रही है? खैर मुबारक आपको और सबको भी, ईद मुबारक मेरी तरफ से। भाई ईद तो हमारी बस ऐसे गुजरी, जब आप आए थे तो मैं था कोई काम से गया हुआ था, फिर आगे मैं सो गया था, उसके बाद आज मुलाकात हुई आपसे। तो जैसे और ईद, आपकी ईद कैसी गुजरी? भाई मेरी भी अच्छी गुजर रही है। दरअसल हमारी ईद थी दूसरे दिन की, क्योंकि हिस्सा लिया था, तो अभी ये सीन है कि दूसरे दिन फिर निपटाई सारी चीज़ें, तो आज तीसरे दिन सुकून मिला तो आए तुम्हारे पास वापस। हाँ बस यही था, बकरा ईद थी, ईद उल अज़हा थी, तो उस पर यही है, कुछ मीठी तो थी नहीं, तो उस पर यही है, गोश्त और जानवर गिराना, ये सारी चीज़ें बस यही थी, इसी में दिन गुजरा, ईद गुजरी। अब तूने भी जानवर गिराए क्या? मैंने 4 जानवर गिराए। सही बात, पैर मार के तो नहीं गिराती है? पूछ मारे पूछ मार के पूछे मार के जानवर गिरा रहा है, कैसा बंदा। चलो कह रहे, अब ये बताओ कि क्या कर रहे हो आजकल और क्या कहना चाहोगे ऑडियंस से? भाई ऑडियंस से ये कहना चाहेंगे आपको बिल्कुल सपोर्ट करते रहें, इसके साथ रहें, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बना रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है लड़का, इसको थोड़ी सी सपोर्ट दे दें। हल्का हो जा, हल्का हो जा भाई, हल्का हो जा। तो फिर तुम एडिट भी अच्छी अच्छी करते रहो ना भाई। हाँ हम एडिट करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, हम एडिट करते रहेंगे। सही है, ये सही है, ये सही। तो भाई ये हो गया शहबाज वाला पोर्शन, जो इनकम्प्लीट लग रहा था मुझे वीडियो में, मैंने मिला के इस टाइम डाल दिया। अब वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छी ना लगे तो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, क्योंकि जो आप सजेशन देंगे वो हम सजेशन पर अमल करेंगे, ये हमारा काम है। ठीक है, चलते हैं, उम्मीद है ईद वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा सबको। एक बार भी ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़। ये भाई अल्लाह हाफिज़। Peace.